हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग फिर यहाँ पे सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिनके मैं आपको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करके बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में, उनका आप एक फेयर नोट जरूर बनाते हुए चलें, ठीक है? क्योंकि ये आपके एग्जाम के रिविजन टाइम पर हेल्प मिलेगी। और एक गुड न्यूज़ है कि आप अब हमारे वीडियोस को हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे लिंक दे रखा है। और मेरे फेसबुक का भी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए फिर अब शुरू करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से शॉर्ट ट्रिक्स, यूनिक मेथड एंड विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता तो उसे 24 रुपये अधिक मिलते, तो धनराशि बताइए। ठीक है, मतलब कि इसे 24 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट पेड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस लॉजिक बेस पे शॉर्ट ट्रिक चलेंगे और यूनिटी मेथड। और देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, धनराशि, इट मीन्स यहाँ पे ये हमसे क्या पूछ रहा है, 100%। ठीक है, 100%। और हम लोग यहाँ पे अभी यूनिटी मेथड को लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, तो निवेश 1% ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता तो उसे 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है मोर इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स में हमें निकालना है कितना इंटरेस्ट पेड होगा। तो हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, अब जो ये हमें 2% जो आया है ना, ये किसके इक्वेलेंट है, ये हमें 24 के इक्वेलेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। तो 2% इक्वेलेंट टू कितने के, 24। ठीक है, तो 1% कितना होगा, हमारा 1% होगा 24 × 2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, 12 × 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, रुपए। ठीक है, दिस इज आंसर, क्योंकि हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक, सिंपल अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5 हो जाती है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है। देखिए जब इंटरेस्ट कम हुआ तो हमारा रुपए उसकी आय भी कम हो गई, तो बताइए कि बैंक कितने रुपए की राशि जमा कराई थी। फिर मतलब कि यहाँ पे फिर ये हमसे क्या कह रहा है, 100%। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे यूनिटी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेट पहले क्या था, हमारा ये रेट है, तो रेट हमारा था 5%, और कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 3.5% हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया हमारा कितना आएगा, 1.5%। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो ये हमारा 1.5 आया ना, ये किसके इक्वेलेंट है, हमारे 105 के इक्वेलेंट है। तो हम लोग यूनिटी मेथड फॉलो कर देंगे। तो देखिए 1.5% इक्वेलेंट टू 105, ओके, तो 1% कितना होगा हमारा, 105 / 1.5। ठीक है, ये पॉइंट कट जाएगा तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, और देखिए ये हमारा जो आया है ना, ये डायरेक्टली कट जाएगा 70 से। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 100% हमारा हो जाएगा 70 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7000। ठीक है, रुपी, दिस इज आंसर। ठीक है, इजी था, बस हमें यूनिटी मेथड को फॉलो किया
और अपने आंसर्स पे आ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा एलडीसी से है, एसएससी के 2015 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज का उधार दी गई है। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दोनों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 907 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि हमें बतानी है। तो देखिए कुल राशि इट मीन्स यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 100%। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर यहाँ पे क्या, अपने पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गेन, कितना हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन हुआ है। ठीक है, वो उसके इसके इक्वेलेंट हो जाएगा। ठीक है, 907 रुपये का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 7 + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये हमारा टाइम दे रखा है ना, तो इसलिए हमने 4 से किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये, 48%। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो 48 आया है ना, ये 48 जो हमारा ये आया है ना, ये हमारा 907 के इक्वेलेंट है। ठीक है, तो बस हम लोग फिर यहाँ पे यूनिटी मेथड फॉलो करेंगे, तो 48% इक्वेलेंट टू 907। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, यही वैल्यू हमें निकालनी थी 48 की। फिर देखिए 1% कितना हो जाएगा, 1% हमारा हो जाएगा 907 डिवाइड बाई 48। तो देखिए ये हमारा डायरेक्टली कट जा रहा है 20 से। ठीक है, तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना, कि यहाँ पे देखो उधार दी गई कुल राशि, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, इजी वे, स्मार्ट मेथड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर, और उतनी ही राशि वह एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15 वार्षिक पर समावधि पर जमा करता है। मतलब ये सावधि मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यदि दोनों ब्याजों का अंतर हमें दे रखा है 1350 रुपये, तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए थे। ठीक है, प्रत्येक मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 100%। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे यूनिटी मेथड फॉलो करना है, बट उससे पहले हमें जो ये 1350 रुपये दे रखा है, इसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ये जो रेट्स दे रखे हैं। ठीक है, 15% 12%। तो चलिए देखिए स्मार्ट वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ही गेन फ्रॉम बोथ। ठीक है, बोथ बॉयज। तो देखिए अब देखिए यहां पे हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये मैं डिफरेंस लिख देता हूं। तो देखिए पहला कितना है, पहला हमारा है 15% है, कितने के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, फिर माइनस, फिर दूसरा है 12 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज में होंगे। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 75% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 48%। ठीक है,
फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27%। गॉट इट? तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये 27% हमारा आया है ना, ये हमारा 1350 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो बस यूनिटी मेथड फॉलो करेंगे और अपना 100% निकालेंगे। तो इट मीन्स 27% इक्वलेंट टू 1350। ओके, और 1% कितना होगा, 1350 डिवाइड बाई 27। तो देखिए ये डायरेक्टली कट जा रहा है हमारा 50 टाइम। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% कितना होगा फिर, 100% हमारा होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, रुपीस, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो बस देखिए इसको भी हम लोग सिंपल वे में, लॉजिक में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या से लॉजिक सॉल्व करेंगे, लॉजिकली लाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास 1 रुपए है, ठीक है, और 7 साल में, मतलब कि 7 ईयर में कितना हो जा रही, दुगनी हो जा रही, तो इट मीन्स क्या हो रही, वो 2 हो जा रही है। ठीक है, ये पहला केस है। अब दूसरा केस क्या है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, मतलब कि हमारे पास फिर क्या है, 1 रुपए है और कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही ना। और हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में, मतलब कि हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम देखिए कैसे निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 21 ईयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये लॉजिक था। अब मेनली आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि हमने ये 3 कैसे कर दिया ना, तो 3 देखिए इसका डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, 3, वही 3 यहाँ पे मैंने कर दिया और अपने आंसर पे आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया है। ठीक है, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो धन कितना था, मतलब फिर क्या देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 100%। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूले बेस पे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको लॉजिक पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि को साधारण ब्याज, मतलब कि क्या, SI पर एक निश्चित राशि पर रखा जाता है। तो मतलब कि हमें रेट निकाल लेना है कितना था 2 ईयर के लिए, तो कितना परसेंट दे रखा है, 3, तो कितना ये फर्स्ट ईयर हो गया और प्लस सेकेंड ईयर, तो 3% प्लस 3% टोटल कितना हो गया, 6%। अब देखिए जो ये 6% आया ना, ये हमारा 300 के इक्वलेंट है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, 6% इक्वलेंट टू 300 और 1% हमारा कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा कितने पे चला जाएगा, ये हमारा 15 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और फिर हमसे क्या 100% पूछ रहा है, तो 100% क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5000 रुपीस। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।